हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ए और एन का प्रयोग। और ए और एन का प्रयोग करने से पहले हम एक बार यहाँ देखते हैं। याद रहे जो शब्द ए ई आई ओ यू मतलब वोवल, जो हमारे वोवल वाले शब्द है ना ए ई आई ओ यू से शुरू होंगे वहाँ आएगा एन, वहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। और जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से शुरू होंगे वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और ये है हमारे वोवल। और जहाँ पे हमारा वोवल वर्ड्स आएंगे वहाँ हम यूज करेंगे एन का, और जहाँ हमारे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स आएंगे वहाँ हम यूज करेंगे ए का। तो इसी को लेके हम चलते हैं आगे। डैश बेबी, तो बेबी बेटा बी से शुरू हो रहा है, ये हमारे वोवल्स नहीं हैं, बी हमारा वोवल में नहीं आता, तो यहाँ आएगा ए। ऐसे ही डैश एग, तो यहाँ आया ई, ई हमारा वोवल है तो यहां आएगा एन। ऐसे ही अगला वर्ड में डैश ऑरेंज, तो ऑरेंज किसे शुरू हुआ, ओ से, तो ओ देखें तो यहां पे आएगा हमारा एन ऑरेंज, क्योंकि ये हुआ हमारा वोवल। डैश पेन मतलब पी, और पी हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है तो यहां आएगा अ पेन। ऐसे ही अ बॉक्स, क्योंकि बी वोवल नहीं है। एनिमल ए, ए है हमारा वोवल तो एन एनिमल। डैश पोटैटो, पोटैटो हमारा वोवल नहीं आता तो ए पोटैटो, वो आप पोटैटो भी कहते हैं। बॉल बी से, तो यहां लगेगा ए। आईज, स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से, और ई क्या है हमारा वोवल तो एन आइस। डिश, डी हमारा वोवल नहीं है तो यहां पे आएगा अ डिश। आइसक्रीम, आई से, तो आई हमारा वोवल एन आइसक्रीम। साइकिल सी, सी हमारा वोवल नहीं है तो और साइकिल, तो कौन कौन से वर्ड बने, अ बेबी, एन एग, एन ऑरेंज, अ पेन, अ बॉक्स, एन एनिमल, अ पोटैटो, अ बॉल, एन आइस, अ डिश, एन आइसक्रीम, अ साइकिल। तो आज हमने किसका प्रयोग करना सीखा, ए और एन का। जहां पे ए ई आई ओ यू वोवल वर्ड्स यूज हो वहां पे लगता है एन, और बाकी जो वर्ड्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उनके आगे लगता है ए। तो आज हमने यूज करना सीखा ए और एन का।